क्लास गुड इवनिंग। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम इस ऑनलाइन कोर्स में बात करेंगे यूनिट 4 की, जो है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस या आपका वेल्डिंग नाम से है। तो इसमें हम सबसे पहले में हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने अभी तक का मैन्युफैक्चरिंग साइंस में पढ़ा होगा, अभी तक आप पढ़ चुके हैं कास्टिंग, फिर उसके बाद आपने पढ़ी होगी मेटल फॉर्मिंग, देन उसके बाद आपने पढ़ी होगी मेटल कटिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक। तो इन तीनों प्रोसेस में अगर आप इसको वन वर्ड में अगर आप बोलना चाहें, तो जो कास्टिंग प्रोसेस है और जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, अगर मैं उसको जीरो प्रोसेस बोलूं, तो इस चीज का क्या मतलब है? जीरो प्रोसेस का मतलब है कि जितना भी मैंने क्वांटिटी ली थी अपने मटेरियल की, वो क्वांटिटी सेम है कि आपके प्रोसेस के शुरुआत में और प्रोसेस के लास्ट में जो मास है आपके जो मटेरियल का, वो सेम है। जैसे कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस में होता है कि ये भी आपका कोई मोल्ड है, इसमें आप मोल्टन मेटल डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं इसको, आप मोल्ड को यहाँ से बाद में जब भी सॉलिडिफाई हो जाता है मोल्टन मेटल, तो उसके बाद आप इस मोल्ड को यहाँ से हटा देते हैं किसी भी तरीके से, और उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका मोल्टन मेटल है ये कुछ इस शेप का आपका बन चुका है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो इनिशियल प्रोसेस में जितना भी हमारा मास था इस लिक्विड मेटल का, वो कन्वर्ट हो गया, सॉलिडिफाई हो गए इस सॉलिड में, और जो मास था टोटल वो सेम है। सेम जैसे आपका मेटल फॉर्मिंग है, मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल फॉर्मिंग के लिए, कि जैसे आपका वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है जिसमें हम कि एक रॉड को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, रॉड है इसको हम थिन लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी अल्टीमेटली कि ये जो आपका टोटल मास है ये भी आपका कन्वर्ट हो जाना है, ये इसका लेट्स सपोज ये लेंथ एल है और डायमीटर डी है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक लॉन्ग वायर में, तो इसकी जो लेंथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी, इसकी एन टाइम्स बढ़ जाएगी, जहाँ एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो डायमीटर है वो इसका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी जो यहाँ पे हमारा मास था जो, ठीक है, मटेरियल का, वो हमारा कहीं भी आपका ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो जितना मास यहाँ पे था उतना ही मास यहाँ पर है, वॉल्यूम चेंज हो गया है बस, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल यहाँ की वैल्यू अलग आएगी, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल यहाँ की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन जो भी आपका मास है मास सेम है। अब मैं बात करता हूँ मेटल कटिंग प्रोसेस की। मेटल तो यहाँ पे आप या मेटल कटिंग से पहले ये देख लीजिए कि कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग क्या हुआ आपका। अल्टीमेटली जो इनिशियल फेज में जो हम मास ले रहे थे वही आपका जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बना, उसमें मास आपका कहीं भी ना हमने ऐड किया ना हमने यहाँ से मास कोई बाहर गया, तो इसको मैं इसलिए जीरो प्रोसेस बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ मेटल कटिंग प्रोसेस की। तो लेट्स सपोज मेटल कटिंग प्रोसेस में क्या है कि अभी आपने जैसा अभी ऑब्जेक्शन से आप लोग पढ़ रहे हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि वो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। लेट्स सपोज ये कोई हमारा प्रोडक्ट है, इसमें बाहर से ये बर्स निकले हुए हैं, तो ये भी जो बर्स हैं आफ्टर द कास्टिंग प्रोसेस और फॉर्मिंग प्रोसेस वट एवर द प्रोसेस, इसके बाद जो ये बर्स हैं तो हमको इसको एक जो हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या है कि इसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस में कर रहे थे कि इस मटेरियल ए को मैं ग्राइंड कर दूंगा, और ग्राइंड कर दूंगा तो साइड साइड से ये जो हमारे चिप्स और बर्स हैं ये हम मैं इसको हटा दूंगा, तो अल्टीमेटली जो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें क्या था कि जो चिप्स और बर्स जो शुरुआत में लगे हुए थे वो इस मेटल ए के पार्ट थे, लेकिन मैंने मेटल कटिंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया, उन चिप्स और बर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब कि इसका मास कुछ कम हो गया है और फाइनल प्रोडक्ट में मास हमारा थोड़ा सा कम है। तो अगर मैं इसको कटिंग कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग को जीरो प्रोसेस बोलता हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा निगेटिव प्रोसेस, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हमारा जो मास है वो कुछ कम हो रहा है इन कंपेरिजन टू दी इनिशियल, ठीक है। तो ये हमारी होगी निगेटिव प्रोसेस। क्या अब एक और प्रोसेस होती है जीरो प्रोसेस निगेटिव प्रोसेस, अब एक होती है आपकी पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होगी, पॉजिटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें आपका जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें हम कुछ मटेरियल ऐड करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज उसका कोई भी एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है ए, दूसरा ये प्रोडक्ट है
बी, अगर मैं इसको आपस में जोड़ना चाहूँ तो क्या करूँगा, इन दोनों को पास में लेके आऊँगा और इन दोनों को किसी के सहारे मैं चाहे बांध दूँ इसे, या मैं इसको किसी भी तरीके से मैं ये दोनों को जोड़ सकता हूँ और ये फाइनली जो प्रोडक्ट मेरा आएगा कुछ ऐसे आएगा। ये दो थे यहाँ पे 1 2, अभी ये पूरा कंबाइंड होके हमारा एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने कोई एक मटेरियल जो ये ऐड किया, ये क्योंकि पहले अलग था ये अलग था, इन दोनों को मैं पास लाया और यहाँ पे मैंने किसी चीज से बांध दिया, तो ये अब ये भी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये दोनों फिर ऐसे ही बन जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे मैंने कुछ इसमें मटेरियल या कोई मास बाहर से मैं लाया, उसको मैंने ऐड किया, तो एक ये प्रोसेस है आपकी पॉजिटिव प्रोसेस जिसमें मैं बाहर से मास ला रहा हूँ और ये हमारा इसमें ऐड हो जा रहा है, तो ये हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है। तो अगर अब मैं बात करूँ मेटल जॉइनिंग और वेल्डिंग प्रोसेस की, तो वेल्डिंग आप लोगों ने देखा भी होगा सुना भी होगा कि वेल्डिंग में एक्चुअली हम करते क्या है कि जैसे अगर नहीं भी अभी हमने अपने लेक्चर की शुरुआत करी है या फिर ये कि पढ़ा भी नहीं है, इसमें से एक भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे टाइप की वेल्डिंग है तो अभी एक भी नहीं जानते, तो लेकिन अल्टीमेटली वेल्डिंग हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं कि वो वेल्डिंग प्रोसेस जो होती है उसमें हम दो मेटल को या दो इसको मटेरियल्स को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब कि वहाँ पे भी हम यहाँ पे इसे किसी चीज़ के थ्रू हम इसको जोड़ दे रहे हैं, यानी कि बाहर से मास को ला रहे हैं, तो ये भी हमारी जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है वो हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है। तो आइए अब बात करते हैं हम इसके बाद इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मेटल जॉइनिंग और वेल्डिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग, तो अभी थोड़ी दूर की बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइनिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहा है कि जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो एक हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है, बिकॉज वी आर इंड्यूसिंग सम मास फ्रॉम द आउटसाइड इन दी मटेरियल्स, सो दिस इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब हमने क्या करना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है जैसे एरोप्लेन है तो वो एक सिंगल एंटिटी हमें दिखता है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, या कोई शिप है, या कोई कार है हमारी, या कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, स्टील का कोई हमारा स्ट्रक्चर है, आप देखते भी होंगे जैसे यार कोई हमारा कोई टावर है, ठीक है, टेलीफोन का टावर है, वो ऐसे करके कुछ इस शेप में बना रहता है, तो क्या वो एक ही स्ट्रक्चर है, अलग अलग हमारा क्या है कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है, ये एक रोड अलग है, ये अलग है, और ये जो बड़ी वाली रोड है ये पूरी अलग है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंपोनेंट को लाके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिंगल एंटिटी में। तो गाइस अब हम बात करते हैं मेटल जॉइनिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहला पॉइंट मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का कि ये एक हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया है। उसके बाद मैंने बात करनी है कि हमें जॉइनिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमें बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि जो हमारा जो जॉइंट है दो मटेरियल्स का, एक मटेरियल ए है दूसरा मटेरियल बी है, तो जो दो मैं ठीक है मटेरियल को जोड़ रहा हूँ वो क्या मैं टेम्परेरी बेसिस पे जोड़ रहा हूँ या परमानेंट या सेमी परमानेंट बेसिस पे जोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे को नंबर दूसरी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जो दो मटेरियल्स को जोड़ने के बाद जो मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ए और बी को जोड़ने के बाद, ए भी जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, क्या वो हैवी लोड में काम आ रहा है, इम्पैक्ट लोड में काम आ रहा है, या फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं उसका कि क्या ये हमें इकोनॉमिकली चीप पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं हो रहा है। तो आउट ऑफ दिस जॉइनिंग टेक्निक्स वी कैन चूज एनी वन कि जो हमारे लिए क्या हो कि इकोनॉमिकली बेस्ट हमारे लिए सुटेबल हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे अगर मैं ज्वाइनिंग करूँ तो उसके लिए मेरे पास तरीके हैं। नंबर वन इज नट बोल्ट, या फिर आप कहेंगे कि स्क्रू के थ्रू, लेट सपोज ये एक वॉल है और ये हमारा कोई मकान की वॉल है, इस पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड अपना फिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वॉल पे इलेक्ट्रिक बोर्ड लूँगा, उसके लिए खांचे वगैरह भी होते हैं और चार चार साइड पर मैं नट एंड स्क्रू के थ्रू मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा। तो अब इसका फायदा क्या है कि हमारा जोड़ तो गया, हमारा काम भी जल्द ठीक है चल रहा है। अब जो मैंने इसमें नट बोल्ट के थ्रू मैंने इसको लगाया, अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसे किसी दूसरी जगह पर लगाना है, इसको मेरे को खाली करना है, तो मैं पेचकस के थ्रू इसको यहाँ से निकाल लूँगा। तो दैट इज़ वाई दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेम्परेरी जॉइनिंग। अब अगर मैं बात करूँ कि रिवेट्स, रिवेट्स क्या होती हैं आपकी, कील से जो ठोकते हैं,
तो ये आपका एक हिसाब से सेमी सेमी परमानेंट हमारी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अब जो दो हमारे लकड़ी के ब्लॉक हैं, लेट्स सपोज इसको मैंने एक रिवेटिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जॉइन मैंने कर दिया, अब मेरे को इसको हटाना है, तो भाई मैं बाई एनी मीन्स इस रिवेट को डिस्ट्रॉय करके इन दो मटेरियल्स को अलग अलग भी मैं ठीक है कर सकता हूँ। तो ये हमारा सेमी सेमी परमानेंट है। अगर हम जब तक का इस रिवेट को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा तब तक तो ये परमानेंट मेंबर की तरह काम करेंगे, लेकिन क्या है कि रिवेट हमारी हो सकती है डिस्ट्रॉय इजीली, तो ये हमारा सेमी परमानेंट में आ जाता है। और ऐसे रिवेट के साथ हमारा जो स्टेपल है, तो स्टेपल हम नॉर्मली कागज़ में देखते हैं कि हमारे ये की कागज़ की दो सीटें हैं एक के ऊपर एक, और हमको उसको जैसे हमारा बायोडाटा होता है तो जब हम उसको कहीं पे लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे साइड से क्या करते हैं स्टेपल मार देते हैं। तो स्टेपल भी हमारा जब तक हम इस स्टेपल को हटाएंगे नहीं तब तक ये हमारा परमानेंट जॉइंट की तरह ही काम करेगा, लेकिन जब मैंने इसको पीछे से स्टेपल को हटा दिया तो ये अभी हमारा काम करेगा सेमी परमानेंट की तरह। तो जो स्टेपल और रिवेट्स हैं वो हमारा क्या है कि सेमी परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस के उसमें काम आते हैं। नंबर थर्ड वाली श्रिंक फिट। तो श्रिंक फिट हमारा क्या है कि अगर आप अभी कभी आपने लिमिट फिट एंड टॉलरेंस वाला चैप्टर कभी आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि लिमिट फिट और टॉलरेंस में होता क्या है कि नॉर्मली एक होल है, लेट सपोज दिस इज अ सिलेंड्रिकल होल, और इस होल के अंदर मेरे को एक शाफ्ट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होल का डायमीटर है वो ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका डायमीटर है वो इस रॉड के कंपेरिजन में, शाफ्ट के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। डी वन होल का डायमीटर है और डी टू आपका शाफ्ट का डायमीटर है, तो जो डी टू है वो कम है इन कंपेरिजन टू डी वन। तो ये जो शाफ्ट है इस होल के अंदर आसानी से चली जाएगी, तो ये आपकी है क्लियरेंस फिट। ऐसी जो श्रिंक फिट होती है, श्रिंक फिट में क्या होता है इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें आपका क्या है कि होल का जो डायमीटर है वो आपका छोटा होता है, लेट सपोज सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर अगेन डी वन है। अब मैं इसमें इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी बड़ी शाफ्ट को इंसर्ट कराना चाहता हूँ डी टू को, तो मैं ये करूँगा कैसे? नॉर्मली ये होगा कि लगेगा कि यार छोटी चीज़ के अंदर बड़ी चीज़ जाएगी कैसे, लेकिन अगर मैं इसको बाहर से प्रेशराइज करूँ ऑटोफिटेज मशीन के द्वारा तो क्या हो सकता है कि शाफ्ट इसके अंदर चली जाएगी। तो ये क्या होगा, एक हमारा परमानेंट जॉइंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके अंदर चली जाएगी तो हमारा जो फाइनल होगा वो कुछ ऐसा होगा, होल का जो सेंटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और शाफ्ट थोड़ी सी अंदर की और हमारी झुक जाएगी। तो ये पूरे लाइफ टाइम क्या करेगी, जो शाफ्ट का ये वाला पोर्शन है ये जिंदगी भर बाहर आने की कोशिश करेगा, ये भी यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन होल का जो ओरिजिनल डायमीटर था वो हमारा छोटा था, तो ये इसको जिंदगी भर क्या करेगा अंदर की तरफ को कंप्रेस करेगा। तो एक तो ये यहाँ पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा कि ये हमारे हिसाब से ये हमारा हो जाएगा कि परमानेंट फिटिंग हमको मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को कभी भी जब तक का पूरे होल और जो ये पूरी असेंबली है इसको मैं डिस्ट्रॉय ना करूँ तब तक का ये कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो ये हमारी जो श्रिंक फिट है, श्रिंक फिट हमारी कम्स अंडर दी कैटेगरी होगी परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। अब हमने बात कर ली टेम्परेरी की और परमानेंट की, तो अभी तक हमने बात कर ली नट बोल्ट की, रिवेट्स की, स्टेपल, श्रिंक फिट। इसके अलावा आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि वेल्डिंग है, और जो इस तरफ है ये पूरा का पूरा हमारा वेल्डिंग है, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, बहुत टाइप की वेल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ रही है एडहेसिव बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग, आपका एडहेसिव बॉन्डिंग को, उसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। अभी ये आज ये पहला लेक्चर है तो इसमें जस्ट ये आपका एक ये कि इंट्रोडक्शन है। तो अभी सबसे पहले समझते हैं आपका एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एडहेसिव का मतलब क्या है? आपने कभी देखा होगा कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, तो जो पानी की जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो इस ग्लास के सरफेस से जुड़ जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये कि इसके साथ क्या चिपक जाएंगी वो। तो और या एक और एग्जांपल देखिए कि ये वाटर की एक ड्रॉपलेट है, ये दूसरी ड्रॉप आपकी वाटर की ड्रॉपलेट है, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये क्या बनेगा, ये कितनी बड़ी ड्रॉपलेट हमारी बन जाएगी, ये और भी कंबाइंड हो गए। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये भी एक, जो वाटर का जो ड्रॉपलेट है ये भी वाटर ही है, बी वाला भी वाटर ही है, तो वाटर और वाटर मिलकर आपस में वाटर ही बना रहे हैं, ये कोई केमिकल वाली रिएक्शन। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये
ये भी मॉलिक्यूल सेम है, ये भी मॉलिक्यूल वही है, वाटर ही है दोनों। तो ये जो चीज होती है इसे बोलते हैं आपका कोहेशन। जब जो आपके की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आपस में जो एटम्स हैं, जब वो सेम एटम है और वो आपस में मिलके एक वो जुड़ जा रहे हैं, तो वो वहां पर आता है आपका कोहेसिव फोर्सेस। मतलब कि इन दो मटेरियल्स की जब आपस में ये दोनों जुड़ गए, तो यहाँ पे आपका कोहेसिव फोर्स काम किया। को का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है वो भी वाटर है, बी मॉलिक्यूल भी वाटर है, तो ये हो गया आपका कोहेसन। ऐसे अब एक और टर्म होता है, वो होता है आपका एडहेसन। एड का मतलब होता है अलग अलग है, एडहेसन। तो जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो ग्लास था, जो ग्लास की सरफेस था, इससे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट आपकी स्टिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो पहला मटेरियल है ए, वो है आपका वाटर का, और जो दूसरा मटेरियल है वो है आपका ग्लास का। तो यहाँ पे ये जो आपस में बॉन्डिंग हुई है इन दोनों के बीच में, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट आपस में स्टिक हैं वाटर की ड्रॉपलेट ग्लास की सरफेस से, तो दीज आर ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस। मतलब कि यहाँ पे दो डिससिमिलर मेटल या डिससिमिलर आपके क्या है मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, तो दैट इज एडहेसिव बॉन्डिंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लेट सपोज हमारे पास कागज की एक ये सीट है, दूसरी ये सीट है, मेरे को आपस ये दोनों को आपस में चिपकाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें नट बोल्ट तो मैं इसमें लगाऊंगा नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। स्टेपल हाँ कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि मेरे को पूरे कागज में ही स्टेपल मारना पड़ेगा अगर मैं इसको ऐसे करके चिपकाना चाहता हूँ तो, ठीक है, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बीच में कोई गैप ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गोंद लेना पड़ेगा, फेविकोल लेना पड़ेगा, फेविक्विक लेना पड़ेगा, तब जाके ये आपस में ऐसे करके चिपक जाएंगे। तो एडहेसिव बॉन्डिंग में क्या होता है हमारे पास, कि एडहेसिव आपके क्या होते हैं मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका फेविक्विक हो गया, गम हो गया, ठीक है, और अगर हम जैसे टेक्निकल में बात करें तो आपके ये रेजिन्स हो गए, ठीक है, इलास्टोमर हो गए, तो ये सारी हमारी क्या होते हैं आपकी एडहेसिव बॉन्डिंग के अंदर आती है। इसके अब जैसे प्लाई है, उसके आगे सनमाइका आपको लगाना है, तो आप क्या करते हैं फेविकोल लाते हैं और प्लाई के आगे, ठीक है, लगा लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी क्या है कि दो अलग अलग क्या है मटेरियल्स की ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, तो ये है आपकी एडहेसिव बॉन्डिंग। अब उसके बाद अब हमने अभी तक का टेम्परेरी भी पढ़ लिया, नट बोल्ट स्क्रू पढ़ लिए, रिवेट्स पढ़ लिए, स्टेपल, और ये आपका ये कि एडहेसिव बॉन्डिंग भी पढ़ ली। उसके बाद हम बात करते हैं वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग जो है वेल्डिंग नट बोल्ट वाली जॉइनिंग से या आपकी सेमी परमानेंट और ये रिविट्स स्टेबल श्रिंक फिट या एडहेसिव बॉन्डिंग से थोड़ी सी अलग है। ये एक्चुअली क्या है कि इसको हम बोलते हैं आपका मेटलर्जिकल ये आपका मेटलर्जिकल फ्यूजन प्रोसेस, मेटलर्जिकल फ्यूजन प्रोसेस, वेल्डिंग इज अ मेटलर्जिकल फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कभी एकदम से घर की लाइट, ठीक है, चले जाती है और सब जगह की लाइट होती है, तो हम जाकर मीटर चेक करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि फ्यूज हो गया, तो मतलब जो वो फ्यूज वायर है वो हमारा क्या, जो वायर होता है हाईली किसका रेजिस्टेंस का, वो एकदम से हमारा क्या होता है कि वो हमारा हो जाता है फ्यूज, यानी कि वो हो जाता है गल जाता है वो। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है वेल्डिंग प्रोसेस में कि मटेरियल्स को हीट देकर, ठीक है, चाहे वो हमारे मटेरियल सिमिलर हों चाहे हमारे डिसिमिलर हों, ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि विद और विदाउट हीट, या फिर हम हीट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, प्रेशर हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो विद एप्लीकेशन ऑफ हीट और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट आइदर वी आर गिविंग प्रेशर और नो, ठीक है, हम दो डिसिमिलर मेटल को क्या कर रहे हैं कि फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम अगर दोनों जो हमारे, ठीक है, क्या है मटेरियल्स है उसको ऐड कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रोसेस है आपकी वेल्डिंग प्रोसेस। और वेल्डिंग प्रोसेस का एक फायदा है इन सबसे कंपेरिजन में कि जो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है, चाहे नट बोल्ट के कंपेरिजन में हो, चाहे स्क्रू के कंपेरिजन में हो, चाहे रिविट्स स्टेबल श्रिंक या फिर एडहेसिव बॉन्डिंग के कंपेरिजन में हो, वो वेल्डिंग प्रोसेस की जो जॉइंट होती है, जो जॉइंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे अच्छी होती है। तो स्ट्रेंथ अच्छी होने का फायदा यही है और कि हम फायदा है, और तो हम उसको क्या कर रहे हैं आजकल कि मैक्सिमम जगह हम ये देखते हैं कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो हमारी जैसे मेटल जॉइनिंग या फिर, ठीक है, मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस में वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो अब हम बात अभी इतनी सारी वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले अब हम देख लेते हैं कि जब हम वेल्डिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वेल्ड कितने टाइप के होते हैं। वेल्ड हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक ये हमारा मटेरियल कुछ ऐसे रखा हुआ है
दूसरे मेरे को मटेरियल को इसके साथ ज्वाइन करना है और मैं इसको रखता हूँ ऐसे इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ए है मटेरियल वो बी की मैं लैप इसकी लैप में बैठ रहा मतलब गोद में बैठ रहा है, तो इसे बोलते हैं लैप जॉइंट। एक ये मटेरियल है, दूसरा ये मटेरियल, ये मैंने ऐसे करके रख दिए। तो ये जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बनेगा। तो जो मैं इसमें वेल्डिंग करूँगा वो मैं यहाँ पे करूँगा इस हेज पोर्शन में। तो ये है हमारा लैप जॉइंट, लैप जॉइंट। ऐसे एक दूसरा जॉइंट होता है बट जॉइंट, बट जॉइंट हमारा होता है ये एक हमारा मटेरियल है, दूसरा ये हमारा मटेरियल है। अब मेरे को इसको पूरा का पूरा जोड़ना है, तो मैं इसकी जॉइनिंग करूँगा ऐसे। तो ये है हमारा बट जॉइंट। उसके बाद एक ऐसी कॉर्नर जॉइंट भी हो सकता है कि मैं सिर्फ जो वेल्डिंग है उसको मैं सिर्फ कॉर्नर पे ही उसके दूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मैं इसकी वेल्डिंग कर दूँ तो ये मटेरियल ए और ये मटेरियल बी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा है कॉर्नर जॉइंट। ऐसी एज जॉइंट भी हो सकता है कि एक सेप हमारा ऐसा है, दूसरा अगर मेरे को इस टाइप का सेप चाहिए तो मैं वेल्डिंग कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा इसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे एज जॉइंट की, इसके जो एज हैं सिर्फ एज पे ही हमारी इसकी जॉइनिंग हुई है। तो ये सब हमारे कुछ जॉइंट के एग्जाम्पल थे। उसके अलावा अब हमें बात करनी है कि वेल्डिंग तो हम ठीक है कोई से भी इसमें कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन की या फिर हमें कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें कि सबसे पहले वेल्डिंग करने से पहले मेरे को किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज अब हम इसके बाद बात करते हैं कि बिफोर डूइंग एनी वेल्डिंग प्रोसेस वी शुड नो दैट व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक या वी शुड टेक केयर ऑफ। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं वेल्डिंग की बात करूँ, ये मटेरियल ए है, दूसरा मटेरियल बी है, इसके अगर मैं ये लैप जॉइंट बनाना चाह रहा हूँ और किसी वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेल्डिंग करने से पहले मैं ए और बी मटेरियल्स की सफाई करूँगा। क्योंकि तो इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल हो या यानी कोई भी आपका डर्ट हो या फिर कोई आपका इसमें ये ऑयली सरफेस हो, ठीक है, ऑयल हो सकता है। तो डस्ट को मैं साफ आराम से कर सकता हूँ कपड़े से, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्सन हमारा रह ही जाएगा। और ऑयल, ऑयल को अगर मैं साफ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ऑयल को साफ करने का तरीका है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपके हो सकते हैं, एक नंबर वन इज आपका एसीटोन से साफ कर सकता हूँ मैं इसको, या दूसरा मैं इसको कर सकता हूँ कार्बन डाइट्राक्लोराइड से CCl4 से। तो इन दोनों को मैं, इन दोनों में से ये जो एसीटोन या CCl4 है उसको मैं डाल सकता हूँ मटेरियल ए और बी दोनों में और उसकी सफाई कर सकता हूँ। लेकिन सफाई करने के बाद भी मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मैंने इस एसीटोन और CCl4 से मैंने इसकी सफाई तो कर दी, लेकिन क्या मैं उसके तुरंत बाद इसमें वेल्डिंग कर दूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका एसीटोन है और अगर CCl4 थोड़ा सा भी इसमें रह जाता है सफाई करने के बाद, तो वो क्या कर सकता है कि जो आपकी हीट आपकी जनरेट होती है इन द वेल्डिंग प्रोसेस, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, एसीटोन और CCl4 उस हीट के साथ रिएक्ट करके कुछ आपकी पॉइजनस गैसेस फॉर्म, ठीक है, कर सकता है। तो उससे जो आपका वेल्डर होगा, जो वहाँ पे आपका बंदा खड़ा होगा, इंसान खड़ा होगा, वो वहाँ पे उसे नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। तो क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो डस्ट और ऑयल को साफ ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम और ऑयल को हमें साफ किससे करना है, एसीटोन से करना है या फिर आपका CCl4 से करना है। लेकिन साफ करने के बाद भी हमने वेल्डिंग तब तक नहीं करनी है जब तक एसीटोन या CCl4 आपका कंप्लीटली दोनों मटेरियल से इवेपोरेट ना हो जाए। जब तक इवेपोरेट ना हो तब तक का वेल्डिंग हमने नहीं करनी है। और उसके बाद कभी कभी क्या है कि डस्ट और ऑयल के साथ हमारे क्या है कि इन दोनों मटेरियल्स में इस मेटल के ऑक्साइड भी फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू कोरिजन। अगर ये कहीं पे खुले हुए छोड़े हुए हों बहुत लंबे टाइम से और आपको अचानक से इनकी वेल्डिंग करनी है, तो यहाँ पे इनका कोरिजन हो सकता है, तो मेटल के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड से बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि मेटल से की ऑक्साइड तो हम नॉर्मली देखते हैं कि हम पेंट लगा लेते हैं, या हम इसमें अगर मैं इसको एक अच्छे टर्म में बोलूँ तो हम फ्लेक्स की कोटिंग करते हैं, फ्लेक्स की कोटिंग कर देते हैं। तो फ्लेक्स की कोटिंग करने से क्या है कि मेटल के ऑक्साइड होने से हमारे बच जाते हैं, लेकिन फ्लक्स की अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि जब मैं इसकी वेल्डिंग करूँगा तो जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स आपका रिएक्ट करेगा किससे, वेल्डिंग के टाइम पे, ठीक है। फ्लक्स आपका जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपका स्लैग बनाता है, ठीक है। स्लैग क्या होता है, लो डेंसिटी मोल्टन मेटल होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारी वेल्डिंग हो रही हो, तो वेल्डिंग यहाँ पे हो रही हो, तो अगर ये
मटेरियल ए है, ये मटेरियल आपका बी है और यहाँ पे इसने स्लैग का फॉर्मेशन किया, ठीक है, जब ये मॉल्टन मेटल है तो जो स्लैग है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्लैग लो आपके डेंसिटी वाले होते हैं मटेरियल, तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ वो आ जाते हैं। तो ये एक तो इसका ये फायदा है, स्लैग अगर बार ऊपर आता है तो ये एक तो मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है और जो पहले के इसके ऑक्साइड है ये तो उसको ख़त्म कर देता है। और ऐसे ही अगर हमारे हैवी ड्यूटी ऑक्साइड है, तो हैवी ड्यूटी ऑक्साइड अगर हमारे मटेरियल में वेल्डिंग करने से पहले अगर हमारे पास हैवी ड्यूटी ऑक्साइड, तो इसकी हम एसिड पिकलिंग करके सफाई कर सकते हैं। एसिड पिकलिंग करके, इस टर्म को याद रखना, एसिड पिकलिंग। एसिड पिकलिंग प्रोसेस है, या आगे उसमें पढ़ सकते हैं जो आपका अभी का कोर्स है, तो आपकी एसिड पिकलिंग प्रोसेस से भी हमारी जो है कि मटेरियल्स की सफाई हो सकती है। उसके बाद हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि जो अब हम जानते हैं इसके बाद कि फिलर मटेरियल क्या होता है। अभी आपने वेल्डिंग देखी होगी ना करते हुए, तो वेल्डिंग जब आप करते हैं तो क्या होता है कि आपका होल्डर है, इसके आगे से पतली सी रॉड होती है, ठीक है, पतली सी रॉड होती है, और ये जो भी आपको जिस भी किसी भी, ठीक है, मटेरियल की वेल्डिंग करनी है तो आराम से आप यहाँ पे, ठीक है, वेल्डिंग इस रॉड के थ्रू कर सकते हैं। तो आप ये देखते होंगे कि जब यहाँ पे स्पार्क होता है जनरेट, तो ये जो रॉड है ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है, फिर उसके बाद वेल्डर क्या करता है, जब एक बार ख़त्म होती है तो उसको फिर से रिप्लेस करता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ें, इसे बोलते हैं फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल कैसे, अब मेरे को वेल्डिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये कोई ऐसे मटेरियल थे, ठीक है, दो ए और बी, तो इसकी अच्छी वेल्डिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, ए को मैंने ऐसे कट किया, बी को मैंने ऐसे कट किया, उसके बाद ये दोनों इस फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वेल्डिंग टॉर्च उठा के यहाँ पे लेके जाऊँगा, कहाँ पे, इसके पास में यहाँ पे, और यहाँ पे इस फिलर मटेरियल को, ठीक है, फिलर मतलब कि ये फिल करने वाला है इस वैकेंट स्पेस को, ये पूरे स्पेस को, और तब इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। तो ये फाइनली बाद में मेरे को ऐसा यहाँ पे ये जो होगा फिलर मटेरियल, जब ये इस स्पेस को भर देगा तो ये कुछ ऐसा मेरे को दिखाई देगा। तो जो हमारा फिलर मटेरियल है वो यूज होता है हमारा इन सारी की सारी जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें, लगभग मैक्सिमम 90-95% जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें हमारा फिलर मटेरियल यूज होता है। अभी हम आगे के लेक्चर से देखेंगे कि क्या होते हैं फिलर मटेरियल, तो अभी के लिए सिर्फ जब आज का ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, तो इसमें सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो फिलर मटेरियल है वो एज हम क्या कर रहे हैं, किसी वेल्डिंग स्पेस में जहाँ पर भी हमको वेल्डिंग करनी है वहाँ पे उसको फिल कर रहे हैं बाई द एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसमें मैं हीट अप्लाई करूँगा, यहाँ से हीट आएगी, ठीक है, आपकी जो आपकी स्विच ऑन करूँगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी हीट एनर्जी में, और हीट के थ्रू ये जो फिलर आपका क्या मटेरियल है ये आपका कंज्यूम हो जाएगा और ये मेल्ट होगा, मेल्ट होकर यहाँ पर हम इसको यूज, ठीक है, एज ए फिलर मटेरियल आपका कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस एज ए फिलर मटेरियल। तो उसके बाद जो हम फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 95% लगभग जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें हमारा यूज होता है। तो जो आपका फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल आपका अब कैसा होना चाहिए, क्या ये ऐसा होना चाहिए कि जो ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, तो ये कौन सा होना चाहिए, क्या ये सी होना चाहिए या ये ए ही होना चाहिए या ये बी होना चाहिए। सी का मतलब है कि ए और बी से अलग होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपका डिसिमिलर, या ये भी एक हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ये मटेरियल ए है दूसरा भी मटेरियल आपका ए ही है। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। हमारा हो सकता है कि फिलर मटेरियल सेम एज अ पेरेंट मटेरियल हो। पेरेंट मटेरियल का मतलब है कि जो मेटल को आपस में, जिन दो मटेरियल्स को आपस में जॉइन करना है, अब वो जो दो आपके मटेरियल्स हैं जिनको मैं पेरेंट मटेरियल बोल रहा हूँ या बेस आपका मेटल बोल रहा हूँ, बेस मेटल या बेस आपका क्या मटेरियल, तो वो सेम भी हो सकते हैं और आपका क्या हो सकता है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो आपका फिलर मटेरियल है वो आपका सेम भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो वेल्डिंग आपकी प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसके लिए कितनी आपको क्या चाहिए कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका फिलर मेटल, अगर आपका जो बेस मेटल है उसकी आपके क्या है कि स्ट्रेंथ कम है और
आपको ये चाहिए कि वेल्डिंग करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़े, जहाँ पर जॉइंट है उसकी आपके जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़े। तो आप ऐसा फिलर मटेरियल यूज़ करोगे कि जिसका क्या हो कि जिसकी जो स्ट्रेंथ हो वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि और ठीक है क्योंकि उसको हम यूज़ करने वाले हैं किसी एक हैवी ड्यूटी जहाँ पे लोड, जहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका ये भी ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका सेम ही अगर आपका फिलर वाला वो है मटेरियल है, तो जब यहाँ पे ये हीटअप होके इसके अंदर आ जाएगा और जब ये ठंडा होगा तो ये दोनों की मिक्सिंग भी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। तो हमें चाहिए हम सेम रखें चाहिए हम डिफरेंट रखें, तो लेकिन हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हम फिलर मटेरियल है वो ऐसा यूज़ करें कि वो इनके साथ भी केमिकली अच्छे से रिएक्ट करे, और जो इनकी मिक्सिंग है आफ्टर दी वेल्डिंग प्रोसेस जब ये सॉलिडिफाई होने लगेंगे, तो उस समय जो इनकी की मिक्सिंग है दोनों फिलर मटेरियल और बेस आपके या पेरेंट ठीक है मटेरियल की, तो वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमको काफ़ी सारा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे कि कौन कौन सी वेल्डिंग के जो हमारे क्या है कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है ठीक है वेल्डिंग की। तो जैसे वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी मैंने बात करी बेस मेटल की, तो एक टर्म है बेस मेटल। बेस मेटल क्या है कि जिस भी मैंने क्या है कि मटेरियल की वेल्डिंग करनी है वो मेरा बेस मेटल है। लेट सपोज ये अगेन सेमी डायग्राम बन रहे हैं क्योंकि ईजी है समझने के लिए, ठीक है ये मेटल ए है ये मेटल बी है, इसको मैं ऐड करना है ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोनों के दोनों बेस मेटल हो जाएंगे। अब ये ए और बी है और ये ए और ए भी हो सकता है, यानी कि सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकता है, तो दिस इज नॉन एज बेस मेटल, बेस मेटल। उसके बाद अब जो बात कर रहे थे यहाँ से कि फिलर मटेरियल आएगा और इस गैप को फिल कर देगा, तो ये जो आपका मटेरियल है इसको हम बोलते हैं ठीक है, ऐसे तो बोल रहे हैं आपका क्या फिलर मटेरियल, जब ये यहाँ पे आ जा रहा है तो ये वेल्ड होके आ रहा है ना, क्योंकि हीटिंग हो रही है और ये मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यही जो मेटल है यही वेल्डिंग कराने के लिए जिम्मेदार है, यही वेल्डिंग ठीक है हमारी करा रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं आपका वेल्ड मेटल, जो मेटल आपका वेल्ड हो रहा है ठीक है, जो आपका क्या था फिलर मटेरियल आपका वेल्ड हो गया उसे हम बोल रहे हैं आपका वेल्ड मेटल। उसके अलावा एक एक और आपका टर्म है, वो है आपका डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कोई भी आपका मेटल है या कोई भी आपका चीज़ है वो किस रेट से आपकी डिपॉजिट हो रही है, तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट क्या हो रही है आपकी फिलर मटेरियल हो रहा है आपका ठीक है, आपका क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है, तो यानी कि इसकी यूनिट होगी इन किलोग्राम पर आर, कितना अमाउंट है या कितना अमाउंट है आपका किसका मटेरियल का वेल्ड मेटल का, और वो किस टाइम में कितना आपका डिपॉजिट हो रहा है इसके अंदर वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये है आपका क्या ठीक है डिपोजिशन रेट। ये ऐसे एक और टर्म आपका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है कि ये जो वेल्ड है ना जो आपका वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे, लेट्स सपोज इसी में कर रहे हैं वेल्डिंग, ये आपका वेल्डिंग है, तो ये जो जो ये पेनिट्रेट कहाँ तक हो रहा है, मतलब कि जो टॉप सरफेस से लेके इसके बॉटम ये कितना इसकी हाइट है ठीक है, पेनिट्रेशन कितना है, ये जो आपका वेल्ड आपका क्या था मटेरियल था ठीक है फिलर मटेरियल जो आपका यहाँ पे वेल्ड हो गया आगे ठीक है आपका भी मेल्ट हो गया है, उसने कितना पेनिट्रेट किया हुआ है इसे ठीक है, तो इसकी हाइट को हम मेजर करते हैं यहाँ टॉप सरफेस ऑफ दी वेल्ड मेटल से लेके यहाँ तक की कितनी हाइट है, दिस इज आर पेनिट्रेशन। तो ये कुछ टर्म है, इसके अलावा जैसे कुछ टर्म और है कि अभी बात करते हैं, इसके अलावा कुछ और टर्म है जैसे ये एक आपका कॉर्नर जॉइंट है ठीक है, यहाँ पे मैंने वेल्डिंग कर दी साइड से ठीक है यहाँ पे करूँगा, तो ये आपका वेल्ड मटेरियल है, तो ये जो आपका वेल्ड मेटल है ना वेल्ड मेटल का जो ऊपर का सर ठीक है सरफेस है जो कि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुआ है वो कितना हुआ है सिर्फ इतना सा हुआ है, तो इसे बोलेंगे आपका वेल्ड सरफेस जो हमें दिखेगा वेल्ड सरफेस ठीक है, और जो ये आपका वेल्ड सरफेस का वो पोर्शन जो बेस मेटल से कांटेक्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है वेल्ड सरफेस ये है और बेस मेटल ये भी है ये भी है ठीक है, तो दो जगह पे आपका वेल्ड सरफेस बेस मेटल से क्या कर रहा है कांटेक्ट में है, तो इसे बोलते हैं हम टो ठीक है TOE टो।
उसके अलावा ये जो चीजें इसे बोलते हैं फ्यूजन, कि जो हमारा वेल्ड मेटल, जो आपका वेल्ड मेटल है वो कितना फ्यूज हुआ है, तो इसे बोलते हैं आपका फ्यूजन। सो गाइस, सो फार अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जॉइनिंग प्रोसेस होती क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। उसके अलावा जॉइनिंग प्रोसेस कितने टाइप की हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट है, ठीक है, नट बोल्ट के थ्रू कर सकते हैं, रिवेट्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि एडहेसिव बॉन्डिंग करते हैं। इसके बाद हमने अभी तक पढ़ लिया आपका डिपोजिशन रेट पढ़ लिया, हमने पेनिट्रेशन पढ़ लिया है, बेस मेटल क्या होता है वो चीज़ पढ़ ली है, और वेल्ड सरफेस क्या होता है। इसके बाद एक दो टर्मिनल आपकी एक ही टर्मिनोलॉजी और है, जैसे आपका यहाँ आपका वेल्ड पास, ये थोड़ा देखने में वेल्ड पास का मतलब ये है कि अगर आपका ये दो मेटल को ज्वाइन होना है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वेल्डिंग इसकी यहाँ पे बनवा, तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि आपकी वेल्डिंग टॉर्च है सपोज, जो आपका वेल्डर करते हैं, तो मैं वेल्ड टॉर्च को यहाँ से पकड़ूंगा और इसको एक सिंगल मूवमेंट दूंगा अलोंग द लेंथ ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको एक पास दिया, तो ये आपका एक वेल्ड पास। और इसके अलावा आपका एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है वेल्ड बीड, BED। तो जितना मेटल आपका डिपॉजिट हुआ है एक वेल्ड पास में, उसे बोलते हैं आपका वेल्ड बीड, या नॉर्मल बीड भी बोलते हैं, BED, वेल्ड बीड। तो गाइस, ये थी कुछ हमारी वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजी। इसके बाद अब जैसा कि अब तक हमने फिलर मटेरियल की बात कर ली है, तो फिलर मटेरियल की बात हमें यहाँ पे, उसके बेस पर हम जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है उसका क्लासिफिकेशन है उसको, इसके अलावा और एक और टाइप से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, उसको क्लासीफाई। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइनिंग प्रोसेस है उसको हम दूसरे टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज ऑटोजीनियस बेस्ड ऑन दी आपका फिलर मटेरियल, ऑटोजीनियस। नंबर सेकेंड इज होमोजीनियस, होमोजीनियस। नंबर थर्ड इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आपका ऑटोजीनियस जॉइनिंग प्रोसेस में क्या है, जैसे नाम से ही आपको ठीक है पता चल जाएगा, ऑटोजीनियस जैसे हमारे कॉलेज होते हैं बहुत सारे ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब कि उसमें खुद की पावर होती है, जो वो आपका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पावर, जो भी आपका कहीं डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है या जो आपकी अथॉरिटी है वो खुद की होती है। जैसे ऑटोजीनियस मतलब कि इसमें, अब मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि मैक्सिमम जो भी हमारी इतनी सारी वेल्डिंग टेक्निक्स हैं हम इसमें मोस्टली यूज कर रहे हैं आपका फिलर मटेरियल का, लेकिन ऑटोजीनियस में सिर्फ वही वाली वेल्डिंग रहेंगी जिसमें हम फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो खुद से ही वहाँ पर उसकी वेल्डिंग हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है आपका ये है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर आता है आपका कौन सा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग इसका एग्जाम्पल है। होमोजीनियस में क्या है कि होमोजीनियस जो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें जो आपका फिलर मटेरियल है और जो आपका बेस मेटल है या जो आपका पेरेंट क्या है कि मटेरियल है वो आपका सेम ही होगा। लाइक सपोज ये आपका बेस मेटल है ए, ठीक है, और आप इसमें फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि इसके अंदर डिपॉजिट होगा और यहाँ पे वेल्ड बीड बनाएगा, तो ये जो आपका फिलर मटेरियल है ये भी अगर ए ही है तो ये आपका है होमोजेनियस टाइप की जॉइनिंग प्रोसेस। अगर और इसी के नेक्स्ट होता है आपका हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या है कि जो आपके पेरेंट मेटल है और जो आपका फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल और जो आपका पेरेंट मटेरियल है वो अगर अलग अलग है, लेट सपोज अगर आपका पेरेंट मटेरियल ए है और मैं फिलर मटेरियल बी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये भी एक आपका क्या है कि क्लासिफिकेशन है किसका, जॉइनिंग प्रोसेस का, एक आपका क्लासिफिकेशन ये वाला और एक आपका क्लासिफिकेशन ये वाला। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अब एक्चुअल अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जाए तो जो वेल्डिंग है उसकी डेफिनेशन हो क्या सकती है। अब जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये दो अगर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर और इसके बीच की डिस्टेंस है आपकी डी, अब मैं इसके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं ठीक है बढ़ाते जाऊँगा तो इन दोनों के बीच में जो पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स था या जिस बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए थे, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाते जाऊँगा तो क्या होगा कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपका कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूँ तो क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दोनों के बीच में लगभग जीरो ही हो जाएगा। अगर लेकिन इसके जस्ट उल्टा अगर मैं क्या करूँ कि ये दो जो
इसके बीच की दूरी को बहुत पास ले आता हूँ, तो क्या होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इन दोनों के बीच में वो बढ़ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को बहुत यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इनके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब हम अगर अगर मैं किसी भी तरीके से क्या करता हूँ कि दो जो अलग अलग हमारे मटेरियल हैं उसके जैसे मेटल एक एक मेरा है आपका मटेरियल ए, दूसरा है मेरा मटेरियल बी, अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर तो ये पास में है ही, और अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूँ तो मैं अगर एक मटेरियल ए के मॉलिक्यूल को बी मटेरियल के मॉलिक्यूल के इतना पास ला रहा हूँ कि सिर्फ आप जैसे आपने भी मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री क्या होती है कि ये आपका स्ट्रक्चर है तो ये जो भी हैं जो आपके मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं वो ग्रेन से बने हुए हैं और जो अलग अलग ग्रेन को सेपरेट कर रही है आपकी ग्रेन बाउंड्री है, तो ये ए की लेट्स सपोज ग्रेन बाउंड्री एक ये भी है और बी की एक लेट्स सपोज दूसरा आपका है मॉलिक्यूल बी जिसकी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके एटम से मिलकर बना है, तो एक आपकी ग्रेन बाउंड्री है ये। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है बीच में ग्रेन बाउंड्री है जो ग्रेन्स को सेपरेट कर रही है, तो इन दोनों के ग्रेन बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं बहुत ही कम कर दूँ तो ये आपस में क्या हो यहाँ पे एडहेसन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये खुद ही आपस में इनका जो क्या है कि एडहेसन फोर्स है ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर ये बीच की जो डिस्टेंस है ये कुछ फ्यू एंगस्ट्रम हो, ठीक है एंगस्ट्रम हो, तो ये आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर लेंगे और माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसी चीज़ को वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी ये हमारा पहला लेक्चर था वेल्डिंग का जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। अब आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि जो इतना बड़ा आपका क्लासिफिकेशन है इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जैसे आपका आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है या सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, ठीक है, और आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, और जो कोल्ड वेल्डिंग है कोल्ड वेल्डिंग का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, तो आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखें समझें और जो मैंने इसमें बुक मैंने जो आपका रेफरेंस है वो है पी एन राव और एक दूसरी बुक आपकी कल्पक जैन। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ये टॉपिक लिया हुआ है देखा हुआ है, आप रेफरेंस के तौर पर वाली बुक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और अपने टाइम टाइम पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।